प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। आज पुनः हमारी ऑनलाइन कक्षा है, उनमें आपका स्वागत है। और आज हमारा जो विषय है, कल हमने जो पढ़ा था उससे आगे हम चलते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है संघ मैरी पुराण। हम आज का जो वर्गीकरण है उसका अध्ययन कर रहे हैं, संघ मैरी पुराण। इसमें इसके जो नाम दिया गया है उसको आधार बनाया गया है, उसको हम देखते हैं। कोष अर्थात चिन्ह प्लस फेरा अर्थात धारी, यानी छिद्रधारी जंतु, ऐसे जंतु जिनमें छिद्र होते हैं और उनके शरीर में धारियाँ होती हैं। तो इनकी जो सामान्य विशेषताएँ, जनरल करेक्टरिस्टिक्स या करेक्टर्स, सबसे पहला है इस संघ के जंतु बहुकोशिकी होते हैं, यानी इस संघ के जितने भी जंतु हैं वो सारे बहुकोशिकी होते हैं, यानी इनमें जो कोशिकाएँ हैं वो बहुकोशिकी होंगी। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वह एककोशिकी जीव थे। नंबर दो है ये पौधों की भांति अचल होते हैं, यानी चल फिर नहीं सकते। जैसे पौधे स्थिर रहते हैं वैसे ही यह भी स्थिर रहते हैं और किसी आधार से चिपके रहते हैं। ये किसी न किसी आधार से चिपके रहते हैं, उसको आधार बना लेते हैं और वहाँ पर अपने आप को स्टेब्लिश कर लेते हैं और वहीं पर अपना जो भरण पोषण है, श्वसन है, जनन है, वहीं स्थिर रहकर वो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो तीसरा बिंदु है, इनके शरीर से जो शरीर है उसमें कार्यों के अनुरूप कई कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी इनका जो कार्य करना है कार्यों के अनुरूप विभिन्न प्रकार की कई कोशिकाएं पाई जाती हैं, किंतु यह ऊतक स्तर नहीं है, यानी इनकी ये कोशिकाएं ऊतक नहीं बनाती हैं। जैसे अन्य जीवों आगे हम जो जंतु हैं उनमें पड़ेंगे उनको ऊतक बनेंगे, इस स्तर पर अभी ऊतकों का निर्माण नहीं होता है। अगला बिंदु है शरीर पर कटिका या स्पंजी तंतुओं का बाह्य निकाल होता है, यानी जो स्पंजी स्पंज जैसा एक पार्ट होता है उसका इस पर क्या है एक कंकाल होता है। अगला बिंदु है शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जैसे इसमें ये दिखाया गया है इसके अनुसार इनका जो शरीर है उसमें बहुत अधिक संख्या में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें औष्य नाम कहा गया है, औष्य होते हैं। अगला बिंदु है औष्य देवी में उपास्थि, यानी जो उनके औष्य हैं जो छिद्र हैं वह देवी में खुलते हैं एवं नाग प्रणाली जो है उसमें खुलती है तथा नाग प्रणाली एक बड़ी गुहा में खुलती है। तो इस प्रकार इनकी ये विशेषता है संघ पैरी फोरा। मैं थोड़ा इनका एक चित्र दिखाऊंगा, ये चित्र है इसमें जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये है इस प्रकार के जंतु इसमें पाए जाते हैं, ये सभी संघ पेरिफोरा जंतु हैं। तो इनका अध्ययन हमने किया, आगे हम अगला जो हमारा उपविषय है उसका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए प्रिय विद्यार्थी आज ही जैसे इसके जो उदाहरण हमने भी देखे थे, ये इन उदाहरणों में ल्यूकोसोलोमीनिया, साइकोम स्पंजिला और यूस्पंजिया नाम के जंतु आते हैं। तो आज के लिए मेरे विद्यार्थियों इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहें, बी मोटिवेटेड।